अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज मैं आपको एक खैबर की अपडेट भी देने लगा हूँ कि अब तक क्या कुछ हो चुका है, और उसके अलावा एक और बहुत अहम पॉइंट है। तो अक्सर दोस्त अगर गाड़ी बनवा रहे हैं या उनके पास गाड़ियाँ हैं तो उन्हें नहीं पता होता। आपने एक बात नोट करते होंगे कि जब भी बारिश होती है या हम गाड़ी वगैरह अपनी वॉश करवाते हैं तो दरवाज़ों की साइडों से पानी अंदर चला जाता है, दरवाज़ों के अंदर चला जाता है। लोहे का दरवाज़ा होता है बेसिकली, तो पानी तो वैसे भी लोहे के लिए यूँ समझें कि पानी और मिट्टी का अगर आमेजिश हो जाए तो वो लोहे के लिए एक तरह की मौत होती है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी कहाँ से जाता है और कहाँ स्टोर होता है, और लोग किस तरह की गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके दरवाज़े बहुत जल्दी गल जाते हैं, नीचे से रस्टिड हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जब भी बारिश होती है या हम सर्विस वगैरह कराते हैं तो यहाँ वैसे तो एक रबड़ का पीस होता है, लेकिन फिर भी उसमें गैप होता है, तो पानी यहाँ से अंदर चला जाता होता है हमेशा। ये पानी यहाँ से अंदर जाता है और नीचे वाली साइड पर मैं आपको बताऊँ, ये देखें, ये यहाँ जमा होता है। अब आप ये देख रहे हैं, ये सारी मिट्टी यहाँ जमा हुई है और ये नीचे से इसके पानी के निकलने की कोई जगह नहीं है। ये बंद हो चुकी है, यानी इसमें अगर कोई सुराख वगैरह थे तो वो बंद हो चुके हैं, तो लोग इसे सीरियस नहीं लेते। जब भी इस तरह पानी अंदर जमा हो जाता है तो ये लोहे को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं क्योंकि ये जो खैबर मैं बनवा रहा था तो इसके भी कुछ दरवाज़ों पर एज़ इट इज़ इसी तरह का ही काम था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये खैबर का आप दरवाज़ा देख रहे हैं, आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये स्पेसिफिक पानी के लिए सुराख होते हैं कि पानी जितना भी इसमें जमा हो वो इजीली यहाँ से निकल जाए। ये इस तरह, इसके अलावा ये देखें, ये तो अमूमन क्या लोग करते हैं कि ये पीस अगर न्यू लगाते हैं, गला हुआ हो ये जगह न्यू लगाते हैं, न्यू पीस लग गया तो उसमें सुराख नहीं होते, जो आफ्टर मार्केट मिलती हैं उनमें सुराख नहीं होते। तो ऐसी सूरत हाल में उसमें सुराख करने पड़ते हैं। तो बाई चांस ये एक मेरे दरवाज़े में भी न्यू शीट लगाई गई थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो सुराख किस तरह कर रहे हैं। तीन चादर अंदू गई आगे भी डबल खड़ी है। सटे जरा सटे, हाँ जी
इसी तरह ये आप भी सुराख करवा लिया करें, अगर या अगर आप गाड़ी नहीं बनवा रहे या वैसे भी आपके पास गाड़ी है तो इस चीज़ का ख्याल रख लिया करें। ये नीचे वाली साइड से समटाइम्स मिट्टी वगैरह या खाका वगैरह बहुत ज़्यादा चला जाता है तो ये सुराख बंद हो जाते हैं। तो जब ये सुराख बंद होते हैं तो पानी का इनखला तो हो नहीं सकता, पानी की ड्रेनेज नहीं होती, तो इस वजह से पानी अंदर स्टोर हो जाता है और आपकी शीट जंग आलूद हो जाती है, रस्टेड हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो ये छोटी सी बात थी, तो इस चीज़ का ख्याल किया करें। अगर आप गाड़ी बनवाएं तो भी आपने ख्याल करना है, अगर आपके पास गाड़ी है तो भी इन चीज़ों को आप साफ लाजमी करते रहा करें। तो अब मैं आपको खैबर की भी अपडेट दे देता हूँ। खैबर का इस वक्त ये आप देख रहे हैं, ये दरवाज़ों की इसकी मंजाई वगैरह कर रहे हैं, ये तकरीबन दरवाज़े मुकम्मल हो गए हैं, तो आज ये इंशाल्लाह दरवाज़े इस पर फिट कर देंगे। ओवरऑल वैसे बाकी सारी गाड़ी पर अस्तर लग गया है, यानी अब इन्होंने हल्की सी सिर्फ डीकोपोटीन के साथ उसकी फिलिंग करेंगे जो छोटे छोटे स्पॉट्स होंगे, और उसके बाद ये पेंट पर आ जाएगी। तो आज आई होप के नेक्स्ट वीक में 2-3 दिन तक इसका पेंट इंशाल्लाह कर देंगे। तो बाहर से ये तकरीबन मुकम्मल है सारी, अंदर की तरफ से इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, ये देख रहे होंगे अंदर अभी वैसे ही है। तो अंदर ये अब तकरीबन आज तो नहीं, आज ये दरवाजे वगैरह और साइडें वगैरह पूरी कर रहे हैं, तो 2-3 दिन तक ये इसे शुरू, ये 2-3 दिन के अंदर ही तकरीबन ये मुकम्मल कर देंगे। कल ये आई थिंक अंदर से मुकम्मल करेंगे, आज ये साइड्स वगैरह इसकी कर रहे हैं मुकम्मल, ये लगा रहे हैं पुटीन वगैरह इस साइड की, उस साइड की मैं दिखाता हूँ, वो साइड मुकम्मल है, मैं आपको पहले नहीं दिखा सका। ये देखें ये मंजाई वगैरह हो चुकी है और ये साइडें मुकम्मल हैं। बोनट भी इसका मुकम्मल हो गया है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। बोनट पर भी अस्तर लगा दिया है, कल ही लगाया इन्होंने, इसकी थोड़ी सी डेंटिंग रहती थी वो मैंने आपको पहले भी बताई थी, तो वो कल कर ली थी, उसके बाद पेंटर ने इसे मुकम्मल कर दिया। इंशाल्लाह ये 2-3 डेज में पेंट पर आ जाएगी, ये अपडेट है इसकी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी पेंट की ही आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो इतनी वीडियो थी आज की, मैंने आपको खैबर की अपडेट भी दे दी और साथ जो मैंने आपको ये दरवाज़ों में से पानी की ड्रेनेज के हवाले से बताया है, ये बहुत माइनर सी बात है लेकिन इसका ख्याल किया करें, बहुत अहम होती है। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।